हेलो फ्रेंड्स, वाम जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड का रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से और उसके साथ बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी कि आमिर खान की एक बेहतरीन फिल्म से। और ये फिल्म जो है ना बॉस, जब भी टेलीविजन में आती है ना तो लोग बहुत ही चाव से इस फिल्म को देखते हैं। यानी कि ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त बताया जाता था कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये फिल्म टेलीविजन पे आई तो उसके बाद लोगों ने इस फिल्म को इस कदर प्यार दिया कि आज तक इस फिल्म को लोग देखना पसंद करते हैं। तो भैया ये फिल्म कौन सी है? तो भैया तेजा इधर है। अब आप समझ ही गए होंगे कि परेश रावल जो अपने गाल पे मार्क लगा के बोलते हैं तेजा इधर है, यानी कि अंदाज अपना अपना। तो भैया अंदाज अपना अपना को लेकर एक बात कही जा रही थी कि इस फिल्म के जो मेकर हैं बहुत जल्दी ही इस फिल्म का पार्ट टू लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारी खबरें सामने आई थी। जो आखिरी खबर इस फिल्म को लेकर आई थी तो उसमें बताया जा रहा था कि इस फिल्म में रणवीर कपूर के साथ में रणवीर सिंह नजर आएंगे। और यह बात जब सामने आई तो लोगों को यह बात सुनकर काफी खुशी हुई, दर्शकों को काफी खुशी हुई कि चलो भैया हमने एक बार फिर से अंदाज अपना अपना का पार्ट टू देख सकते हैं और इस बार और भी ज्यादा धमाल होगा इस फिल्म में, क्योंकि दो बेहतरीन एक्टर इस जमाने के इस फिल्म में आ चुके हैं। उसी वक्त से ये बात कही जाने लगी कि क्या भैया आमिर और सलमान को टक्कर दे पाएंगे ये लोग, मतलब कि जब सिनेमाघर में ये फिल्म आएगी तो क्या ये फिल्म उस लेवल की फिल्म बन पाएगी जो उस वक्त बनी थी। तो अभी तक तो फिल्म बनी नहीं, लेकिन अब लगता है कि इस फिल्म पे वाकई में रोक लग गई है। यानी कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह ने जो बातें कही है उसको सुनने के बाद में आप भी थोड़े से हताश हो जाएंगे कि भैया जिस फिल्म का इंतजार हम लोगों को बहुत ही बेताबी से था वो फिल्म हो सकता है नहीं हो सकता है। यानी कि रणवीर सिंह और रणवीर कपूर ने यह बात बताई है कि भैया उनको इस फिल्म के लिए अभी तक अप्रोच नहीं किया गया है इस फिल्म के टीम की तरफ से। यानी कि जो खबरें अभी तक गॉसिप की तरह सोशल मीडिया पे फैल रही हैं वो बातें केवल गॉसिप हैं, यानी कि वो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा अब तक नहीं बने हैं। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि इस फिल्म में आप किस जोड़ी को देखना चाहते हैं, मतलब पुरानी वाली जोड़ी को या फिर इस नई जोड़ी को, यानी कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह की। मैं तो बात कर रहा हूं भैया आमिर खान और सलमान खान की, इन दोनों जोड़ों में से आप किसको देखना चाहते हैं इस फिल्म में अगर ये फिल्म बनती है, तो अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।